नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ डी बंकिंग मिथोलॉजी एक एक आई एम डूइंग अ वेरी जनरल टॉक टुडे लेकिन हिस्ट्री पता होना बहुत जरूरी है आज यूएस में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं हर जगह कैंपस में आप देख ही रहें हैं पुलिस का भी एक्शंस हो रहा है एवरी सिंगल कैंपस वॉट इज द रीजन फॉर दिस प्रोटेस्ट एंड यू है डीप इन द हिस्ट्री ऑल्सो सो स्टेट्स का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे कि इमिग्रेशन हैज़ ऑलवेज बीन टैक्टिकल नॉट स्ट्रैटिजिक क्योंकि कॉलोनी के जैसा काम करता है कि वहाँ पे अभी ये ज़मीन तो उनका है नहीं ये दे आर ऑल्सो सेटलर्स तो दुनिया भर से सेटलर्स इंपोर्ट करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन विच इंक्रीज इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द कंट्री अब क्या हुआ है कि जब मिडिल ईस्ट का जो इमिग्रेशन हुआ है वहाँ से लोगों का इमिग्रेशन होता है दे डू नॉट चेक कि उनका मानसिक स्थिति क्या है मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मिडिल ईस्ट से हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन से हैं सीरिया से हैं लेबनान से हैं और पैलेस्टाइन से हैं मेरा फर्स्ट एंड इन्फॉर्मेशन रहता है इनकी इधर से कि जब ये लोग वहाँ से इधर आते हैं दे कैरी द यू हेटेड विद देम। वो रिलीजियस है एकदम मतलब मैं लोगों को जानता हूँ जो कि बाहर तो बड़े दे एन्जॉय अमेरिकन वेल्थ एंड एवरी दे एन्जॉय लेकिन दे कैरी दैट माइंड सेट विद वो कैरी करते हैं अंदर से कि कि ज्यूज को वहाँ पे इसराइल नहीं चाहिए दे दे बिलीव इन दैट और ये सारा जो मिडल ईस्ट का इमिग्रेशन है वो पूरा उसी नंबर से है एंड नाउ दे नंबर से प्रीटी हाई प्रॉब्ली मोर देन द जूज ऑल्सो इन दिस कंट्री और सो so, जो जूश जो जूडोइम और जूडो क्रिश्चन जो आइडियोलॉजी लोग बात करते हैं वो सिर्फ़ एक पेपर पे है इज़ नॉट इन रियलिटी एंटी जूस के साथ अगर आप चर्चेज को देखेंगे वो भी जूस के विरुद्ध बात करते हैं और जो मॉस्क होती हैं मस्जिद होती हैं वो भी जूस के विरुद्ध बात करते हैं अब जब ये लोग इस कंट्री में आते हैं तो वो पूरा का जो कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट है उसके साथ वो रहते हैं आप उसको निकाल नहीं सकते अब इन्हीं के बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो इंडाक्ट्रिनेटेड हैं बचपन से चाहे उनका जन्म यहाँ पे हुआ हो फिर भी वो इंडाक्टिनेटेड है जो फर्स्ट टाइम इधर आ रहा है पढ़ाई के लिए वहाँ से वो तो ऑलरेडी है ही लेकिन जो यहाँ पे बच्चे बड़े हो रहे हैं वो भी इंडाक्ट्रीनेटेड indo हैं मतलब वो बोलते बो सब लोग बोलते हैं हमको ज्यूज से प्रॉब्लम नहीं है हमको जूडाइजम से प्रॉब्लम नहीं है हमको जूस से प्रॉब्लम है पॉसिबल कैसे है सेम और ये मिडिल ईस्टर्न लोग हैं यही लोग जो भारत के जो हैं वो भी यही मानसिकता लेके इधर आते हैं वो यू एस इमिग्रेशन को अगर वो उनको हिंदी समझ में आती है उनको समझना चाहिए कि भारत के मुसलमान भी यही मानसिकता लेके आते हैं उनको हिंदुज्म से प्रॉब्लम नहीं लेकिन हिंदू से प्रॉब्लम है कितना अजीब बात हो गई सेम माइंडसेट है जैसे जो इन्हीं मुसलमानों ने इंडियन मुस्लिम्स जो भी हैं इन्होंने ही आइडिया दिया कि हिंदुत्व इज़ बैड इज़ गुड सेम ऐसे ही जुडाइजम इज़ गुड जाइनिज़म इज़ बैड हिंदुत्व और जैनिज़्म को इक्वेट किया उन्होंने अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर उस प्रकार का व्यक्ति आ रहा है इस देश में तो वो तो नेचुरली अपने रिलीजन को तो फॉलो करेगा अमेरिका लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम रहती है द कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स गारंटीज़ रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल एंड दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्स्टिट्यूशन और दी जो लॉ इन्फोर्समेंट है यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ यू को फॉलो करती है अभी कॉन्स्टिट्यूशन कितना लीगल है इलीगल है वो उसके विषय में मेरे राय अलग है क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूँ यहाँ का और भारत का भी पढ़ता हूँ यहाँ का मैंने डिटेल में पढ़ा है रिसर्च किया है उसके ऊपर लेकिन नेटिव अमेरिकन को सिग्नेटरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पे तब वो उसका पोजीशन थोड़ा अलग हो जाता है लेकिन वॉट एवर इज़ अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशन इट गारंटीज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटीज़ फ्री फ्रीडम टू परसू द एंड एक्ट एज पर दू एक्वायर वेल्थ एंड लिव कंफर्टेबली गारंटी करता है एवरीबडी तो इसीलिए यहाँ पे हर तरफ से इमिग्रेशन होता है इधर है ना आप इसमें हर चीज में लेफ्ट और राइट में मत सोचिए इसको यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस में भी सोचिए क्योंकि जो लेफ्ट का जो ब्रांडिंग करता है फॉक्स न्यूज और कंजर्वेटिव वो एक्चुअली एक पॉलिटिकल थिंग है और जो वो लोग जो ब्रांडिंग करते हैं राइट विंग की वो पॉलिटिकल थिंग है अगर हम इसको बेसिक अगर और भी इतिहास में जाएं तो लेफ्ट जो होता है वो हमेशा इस अगेंस्ट द गवर्नमेंट राइट जो होता है फॉर द गवर्नमेंट तो ये इंटरचेंजेबल पोजीशंस होती हैं हर जगह तो क्लासिकल लेफ्टिज्म में गवर्नमेंट की जो बेनि, मतलब सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल जो पॉलिसीज़ होती हैं वो दे आर वेरी मच रेस्पेक्टेड एवरीवेयर क्योंकि स्टेट को वेलफेयर स्टेट होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू शास्त्र बट ये जो यहाँ पे जो ये जो प्रॉब्लम उठी है ये इसलिए उठी है कि ये जो लोग आए हैं इधर या उनके बच्चे जब बड़े हो रहे हैं घर में और इनके मस्जिदों में वो ट्रेनिंग उनको दी जाती है जू हेट्रेड हिंदू हेट्रेड ये सब उनको मिलता है लोग बोलते नहीं हैं लेकिन फैलाया जाता है हर जगह तो तो अब ये जो पैलेटीन इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक चिंगारी के जैसा काम करता है ये क्या करता है ये वापस उन पैशंस को उठा देता है तो जो यूएस गवर्नमेंट है वो तो इसराइल को सपोर्ट करेगी ही उसने रिस्पॉन्सबिलिटी लिया है और इसराइल और अमेरिका के जो डिफेंस पैक्ट्स हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो बहुत ही हाई लेवल पे है आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि जो जितने भी फ्यूज़ेस होते हैं किसी भी मिसाइल के उनमें सब जगह जुश टेक्नोलॉजीज़ लगती है हर जगह मतलब जूस इसइली टेक्नोलॉजीज इसराइली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ इज़ ए मेजर पार्टनर और वो इस तरह के टेक्नोलॉजीज बनाते हैं और अमेरिका उनको एम्यूनिशन सप्लाई करता है है ना तो ये दोनों इंटरचेंजेबली इंटर रिलेटेड इंटर हैं और हम सबको इतिहास मालूम ही है कि इसराइल कैसे उधर स्थापित किया गया अब अब आप जब इस तरह के लोगों को लेकर आते हैं जो कि इसराइल हेटरेट पर ही बड़े हुए हैं उनको इसराइल को वहाँ से मिटाना ही है अब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट को आप बीच में डाल दीजिए तो नाव यू सी एन वेरी एक्सप्लोजिव सिचुएशन और वो जो ये जो बच्चे आ रहे हैं ये उसी मानसिकता से आ रहे हैं जैसे एनआरकिस्ट होता है बम में फेंकना कुछ चीज़ें तोड़ना प्रॉपर्टी डैमेज करना या नहीं करना तो बस धरना देना कि कोई उधर कुछ कर ही ना पाए नाउ दीज आर इन बिग नंबर्स इन ऑल द कैम्प मतलब बिग नंबर तो इतना नहीं है इनका इसे स्मॉल माइनॉरिटी लेकिन ये जो आ, जो जो वाइट जो किड्स हैं जो एंग्लो सैक्सन किड्स हैं या जो यूरोपियन रेस के जो किड्स हैं जो मिक्स एंसेस्ट्री के हैं बहुत सारे लोग मिक्स एंसेस्ट्री के हैं ये उन सब के साथ अफेक्ट करते हैं क्योंकि वो कॉमन जीन पोल है तो ये लोग अब बड़े नंबर संख्या में हो गए तो आपको शक्ल से समझ में नहीं आएगा कि मिडिल है कि नहीं है लेकिन अगर आप इनके पेरेंटेज पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा ये कहीं ना कहीं वहाँ से कनेक्टेड है और एंड ये लोग वो उनका बचपन से ही जो बचपन में घर में बात होती है या माँ बाप बात करते हैं या स्टेट डिपार्टमेंट या जो भी हमारे जो ऑफिशल्स हैं वो इन सब चीज़ों को मॉनिटर नहीं करते हैं कि घर में किस तरह की बातचीत चल रही है किस में किस तरह का वातावरण है जैसे हमारे घरों में क्या होता है योग मेडिटेशन जगन्नाथ जी की पूजा ये सब हमारे घर में डिस्कशंस होते हैं या फिर उस पर आस पास ही घूमते रहते हैं डिस्कशंस यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे रिलीजन का मतलब ये है कि दूसरे का ख़त्म हो और ये तीनों का कॉमन है चाहे वो जुडाज़म हो इस्लामिज़म हो क्रिश्चनिज़म हो तीनों एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं और इनके अंदर जो फैक्शंस हैं जैसे क्रिश्चनिज़म में मोर देन एट हंड्रेड फैक्शन अ देर इस्लामिज़म में भी आठ सौ फैक्शंस हैं वो भी आपस में कम्पीट करते हैं लेकिन वेन इट कम्स टू ओवरऑल पॉलिटिकल इशू जैसे इसराइल पैलेस्तीन का हो गया तो उसमें ये दो लोग साइड ले लेते हैं हर जगह तो यू सी दीज स्टूडेंट्स टेकिंग लीड इन द प्रोटेस्ट दिस टाइप ऑफ लोग फिर आप उसमें लगा दीजिए जो लेफ्टिस्ट जो इसको रिपब्लिकन बुलाते हैं लेफ्टिस्ट uh, तो वो जो सिफेक्शन्स ले लीजिए विच आर वेरी वर्चुअल ड्रिवन जो सोचते हैं कि कुछ खुराबी हुई वो रीज़न पर नहीं जाएंगे क्या हो रहा है उधर लेकिन जो हुआ तो वो भी ठीक नहीं है इतने लोग मरने नहीं चाहिए कहीं पर भी इतना भयंकर बम्बार्टमेंट नहीं होना चाहिए वाइप आउट नहीं होना चाहिए आई एग्री वो अब वहाँ पे वो लोग भी ऐड हो जाते हैं एंड नाउ यू सी ए बिगर पिक्चर और फिर जो भारत के जो लोग आते हैं जो यंग बच्चे आते हैं उनके ऊपर प्रेशर रहता है बहुत सारा पियर प्रेशर रहता है कि अगर आप इनको सपोर्ट नहीं किया देन यू आर एन आउटसाइडर आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा मतलब मेरा तो सभी बच्चों से विनती यही रहेगा उसडिंग यूनिवर्सिटी जस्ट स्टे आउट ऑफ एवरीथिंग, थिंग डो नॉट गो नीअर सच प्रोटेस्ट जस्ट स्टे आउट ऑफ इट क्योंकि इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया यू हैव नथिंग टू डू दिस प्रोटेस्ट इट इज़ ए फॉरन मैटर बट अगर कोई इंडिया से रिलेटेड है तो आप बात कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल काश आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बाद एंटी हिंदू बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और वहाँ पर यही सारे ग्रुप्स इन्वॉल्व थे पैलेस्टीनियन अरेबिक या मिक्स एंसेस्ट्री ये सभी लोग इन्वॉल्व थे एंटी हिंदू भी ओके okay? और वहाँ पे किस तरह का इन्फ्लुएंस रहता था ये जो इंडियन ओरिजिन जो बच्चे हैं ग्रुप हैं जो लेफ्टिस्ट ग्रुप हैं ये सभी उसमें एक्टिवली पार्ट लेते थे अभी क्या हो गया है कि जो प्योर प्रेशर की वजह से और जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है जो कि एक एक एंटी वायलेंस एंटी वॉर एंटी ये सब जो कंबाइंड आइडियोलॉजी है ये सब जो भारतीय स्टूडेंट्स का भी है इधर दैट इज ऑल्सो प्लेइंग ए वेरी बिग रोल कि जब ये लोग जुड़ते हैं नाउ दे आर गोइंग टू विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर द प्यर प्रेशर तो इसका सोल्यूशन क्या होगा बिकॉज दिस इज नो सोल्यूशन जो एग्जिस्टिंग मैथड्स हैं उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि अमेरिका में डी रेडिकलाइजेशन की बात नहीं होती अमेरिका में ये बात नहीं होती कि घर में क्या चल रहा है वो बताते नहीं है और बताना भी नहीं चाहिए फ्रीडम ऑफ थाट होना चाहिए हर जगह लेकिन घर के अंदर जो इस तरह का जो आ, जो माइंडसेट प्रोग्रामिंग होता है उस पर तो फोकस करना चाहिए लेकिन वो सब नहीं होता है वो मॉनिटरिंग भी नहीं है तो ये प्रोटेस्ट इंक्रीज होते ही रहेंगे कम नहीं होने वाले अब ये बढ़ते ही रहेंगे क्योंकि टू कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स आर देयर फॉर वॉट एवर रीज़न अमेरिकन स्टेट प्लान टू ब्रिंग दिस पीपल एज ए क्विड प्रो को कि आप हमारे लिए ईस्ट में लड़ो हम आपको यहाँ पे लेकर आ जाएंगे दिस इज हाउ द इमिग्रेशन हैपेन्ड मेजोरिटी ऑफ इट अब इनका फर्स्ट जनरेशन है या सेकेंड जनरेशन है या थर्ड जनरेशन है बट दे दे हैव नॉट गिवन अप द ओरिजिनल थिंग तो अब जब डेमोक्रेट्स यहाँ पे जुड़ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ जाती हैं यहाँ पे और अब मैं ऐसा भी रिपोर्ट्स में देख रहा हूँ कि किस तरह इन लोगों के जो फंडिंग्स हो रहा है जॉर्ज सोरोस के द्वारा सबके द्वारा ना दोज थिंग्स कम एज सोने पे सुहागा मतलब वहाँ पे अगर आपने uh, मतलब एज ए घी इन द फायर आप घी डाला और भी जलेगा बिकॉज दोज गायज यूज इट टू क्रिएट ए वेरी ईजी पोल विच विच इज इंसेंडियरी क्रिएट ट्रबल और इलेक्शंस भी हैं पास में तो आप उस फैक्टर को ऐड करिए ये तो ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है इलेक्शन अब पास में तो अब यहाँ पे और पॉलिटिशन जैसे इलान उमर भी जाके मिल कर आई कुछ लोगों से और उसने क्या क्या स्टेटमेंट दिए तो ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था जो वॉर इन द मिडिल ईस्ट है अब वो वॉर अमेरिकन की स्ट्रीट्स पे आ चुका है क्योंकि ये लोग तो कितने हजारों सालों से लड़ रहे हैं ये तो अभी नया जो इसराइल फोर्टी के बाद बना ये तो रिसेंट है उसके पहले भी लड़ रहे हैं ऑटोमन एम्पायर के समय भी लड़ रहे हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट अब जाने वाला नहीं है ये अमेरिका की जो मिडिल फेल्ड मिडिल पॉलिसी है उसका ये नतीजा है लेकिन अब उसको भुगतेंगे वो सब लोग भी जो इसके पार्ट में रहे, या फ्यूचर जनरेशन इसको भुगतेंगे बिकॉज इमिग्रेशन अनकंट्रोल्ड है क्वालिटी चेक नहीं है कि उसका आदमी का किस तरह सोचता है वो भी नहीं है माइंडसेट नहीं चेंज हुआ और द मिडिल मिडिल एज मिड मिडीवल्ड टाइम्स फाइट इज़ नाव इन द यू एस सॉइल नाउ इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम है सोल्यूशन इसके बहुत ही मुझे सोल्यूशन मालूम है लेकिन वो सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना या बताना इज़ इम्प्रैक्टिकलिटी मतलब दिस सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू एंड इज गोइंग टू बिकम वर्स एंड वर्स एंड वर्स जितना ज़्यादा वायलेंट एक्शन होगा लॉ एन्फोर्समेंट से उतना ही ये बढ़ता जाएगा और बाद में हमने नतीजा देखा ही है कि किसी भी तरह मिडिली इसमें शांति है नहीं क्योंकि लोग इमोशंस पर ही काम कर रहे हैं कोई बुद्धि से काम नहीं कर रहा है कोई इसमें सोशल जो है आ, मतलब कोई इसको अंकुश भी नहीं लगाना चाहता है इसे चल रहा है एज ए स्टूडेंट ऑफ महाभारत एम सेइंग इज इनकम्पैटिबल एस्पिरेशंस इन इनकम्पैटेबल सोशल इथोस एंड इनकम्पैटिबल बिलीव्स इनकम्पैटिबल कल्चर्स एंड perennially conflicting कल्चर्स religious वाइज तो इसका कोई एंड नहीं है अब ये अब चढ़ता ही रहेगा बढ़ता रहेगा और विद इन यूएसए भी रेडिकलाइजेशन और बढ़ता रहेगा बहुत जगह जगह से अब हम लोग क्या करें इंडियन अमेरिकन बच्चे क्या करें इंडियन ओरिजिन या फिर जो बाकी देशों से आए हैं मैंने इसमें चाइना का फैक्टर अभी तक ऐड नहीं किया है वो चाइनीज़ फैक्टर भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है बढ़ जाएगा क्योंकि एवरीबडी सी कि दिस इज़ ये लोग इजीली उकसा जाते हैं और फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है इसमें कभी भी युद्ध लुड़ने रुकने वाला नहीं है जब तक कि इन लोगों को खुला छोड़ ना दिया जाए और ये आपस में सेटल करें तब तक तो होने वाला नहीं है तो सोल्यूशन तो इसका मिडिल ईस्ट में ही है लेकिन अब ये जो लड़ाई है मिडिल ईस्ट में नहीं होगी मिडिल ईस्ट में प्लान कुछ और है उसके अलग अलग वीडियोस हमारे आने वाले हैं यहाँ पर लड़ाई कैसे बंद होगी वो मुझे तो कोई चांस दिखता नहीं है क्योंकि सब लोग अपना पोजीशंस ले रहे हैं और धीरे धीरे गैटोआइजेशन ऑफ द यू एस इज़ गोइंग टू हैपन और उसका मेरा मतलब है कि कंप्लीट एन आर की एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्रमलिंग एंड ऑल्सो डिस्ट्रक्शन ऑफ वट एवर एजुकेशन एक्सेलेंस जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने बनाया था वो सब अब डिक्रीज होगा इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कैनेडा में पढ़ाई मत करो अभी धीरे धीरे ये वीडियोज़ भी आएंगे अमेरिका में पढ़ाई मत करो तो अपने बच्चों को बचाने के लिए घर में आप बताएं ट्रेनिंग दें आप कॉन् आप कैंपस में पढ़ें स्टे आउट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट डोंट टेक पार्ट इन एनी बडीज फेवर जस्ट स्टे न्यूट्रल एंड स्टे अवे आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और अपनी सेफ्टी के लिए तो मैं बच्चों से बोलूँगा कि पढ़ाई पे ध्यान दें जस्ट फोकस ऑन एजुकेशन एंड डोंट फोकस ऑन एनी प्रोटेस्ट एनी थिंग व्हाट्स एवर बिकॉज ये हमारा नहीं है इसको हमको समझ में भी नहीं आता और ये लोग आपस में लड़ना बंद नहीं करेंगे ये बहुत हजारों सालों से लड़ रहे हैं जबकि एक हज़ार साल से लड़े रहे हैं और ये लड़ते रहेंगे सो वॉट वी हैव टू डू इज फोकस ऑन आवर सेफ्टी ओनली इसका सॉल्यूशन एक ही है वो ये है कि मास स्केल जो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन माइंडसेट पर चेक करे डी प्रोग्रामिंग करे कि जो हेट्रेड ऑफ ज्यूज मस्ट गो यू शुड नोबडी शुड फील हेटरेड टुवर्ड्स एनीबॉडी फॉरगेट अबाउट जूस वो जो अभी जो अमेरिकन स्टेट कर रहा है एंटी हिंदू हेटरेड इज ओके बट एंटी ज्यू हेटरेड इज नॉट ओके वो चलने वाला नहीं है बिकॉज एनी टाइप ऑफ हेट इज़ लाइक ए ड्राई आइस यू नो इट बर्न्स अ वेरी हैंड विच होल्ड्स इट है ना तो इसलिए जो इसको पकड़ेगा वो जलेगा सो so इसलिए मेरा ये आपसे मिनती है माई रिक्वेस्ट स्टे आउट ऑफ इट और एंड जस्ट फोकस ऑन स्टडीज एजुकेशन और अपने योग पर फोकस करें फॉलो योग बिकॉज योग एंड मेडिटेशन हेल्प्स यू बिकम काम एंड पीसफुल एंड हैप्पी कुछ नहीं तो हरि नाम लेते रहे बच्चों से बोलूँगा जो कैंपस में पढ़ रहे हैं हरी नाम लेते रहे सो विद डेट आई स्टॉप दिस वीडियो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिस्निंग टू दिस शॉर्ट पीस ऑन दिस वेरी वाइटल राइट ना थैंक यू नमस्कार